नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 अगस्त 2024 का एक फैसला है, एक रिपोर्ट ऑफ जजमेंट है, जो कि चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है, तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर है उनको कस्टडी ग्रांट कर दी थी। और इसमें जो पटिशनर हैं, जो मीन्स अपीलेंट हैं, जिन्होंने एक मीन्स उनके एक बेबी थी और जो कि उनकी जो सिस्टर्स इन लॉ है उनके पास उनकी कस्टडी थी, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी, जो अपीलेंट की जो वाइफ है, उनकी डेथ हो गई थी कोविड से। और मेन और साथ में एक बॉय भी था, मीन्स एक बड़ा लड़का भी था। और चूँकि बड़ा लड़का मीन्स अपीलेंट के साथ ही रह रहे थे, और जो फीमेल है, जो बेबी थी, वो उनकी जो सिस्टर्स इन लॉ है, मींस जो वाइफ की जो रियल सिस्टर्स हैं, उनके पास उनकी कस्टडी में था। लेकिन थोड़े दिन मींस थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कस्टडी रखी थी, उसके बाद उनको डिनाई, ऐसा बताया गया अपीलेंट ने कि उनको डिनाई कर दिया था, विजिटिंग राइट भी ग्रांट नहीं किए थे। तो उन्होंने आगे एक याचिका दाखिल की थी और फिर उसके बाद फिर माननीय हाईकोर्ट में आए थे। हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दी थी उनकी एक जो रिट पिटीशन है, और डिस्पोजल और फिर डायरेक्शन दी थी कि फैमिली कोर्ट में जाइए, और उससे एग्रीवेट होके फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फादर है वही एक नेचुरल गार्डियन है, और बच्चे को, बच्चे की जो कस्टडी है वो फादर को मिलनी चाहिए, क्योंकि और साथ में एक जो नेचुरल जो ब्रदर है वो भी उनके साथ फादर के साथ रह रहे हैं, तो ऐसे में जो सिस्टर्स इन लॉ हैं उनके पास कस्टडी को नहीं मिलनी चाहिए। उनको डायरेक्शन दी कि जो कस्टडी है वो अपीलेंट को दे दी जाए, लेकिन थोड़े डिस्टिंक्ट राइट्स थे वो सिस्टर्स लॉ को दिए गए। तो आइए थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर फैसला दिया था। तो देखिए, ये अपील थी वो एक फाइनल जजमेंट थी जो 3 अप्रैल 2024 की थी, जो डिविजनल बेंच हाईकोर्ट ने दी थी, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2024 की एक क्रिमिनल रिट पिटीशन थी, उसमें उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था, और हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज कर दिया था और कहा था कि कस्टडी के लिए माइनर डॉटर की जो कस्टडी है, जो कि अलेज्ड अनलॉफुल कस्टडी है रिस्पोंडेंट के पास, 5 और 6 जो असिस्टेंट लॉ है अपीलेंट की, उनको कहा था कि पार्टीज जो हैं वो फैमिली कोर्ट में जाएं और अपनी मीन्स अपनी जो मीन्स अपनी ग्रीवेंसेज रखें, फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स जो बताए गए हैं वो क्या हैं, वो फैक्ट्स को देखते हैं। जो 27 जनवरी 2008 को अपीलेंट की शादी हुई थी और 2 चिल्ड्रन थे वो बॉर्न हुए थे, पहला चिल्ड्रन 2013 में, और जो बेबी जो गर्ल है वो 2021 में हुई थी। अब जब डॉटर की उम्र 10 साल ही थी तो फिर अपीलेंट ने अपनी उनकी वाइफ का देहांत हो गया था कोविड इन्फेक्शन से, उसके बाद उनके जो फादर की भी डेथ हो गई थी मीन्स थोड़े दिनों के बाद कोविड इन्फेक्शन से। और अब उसके बाद अपीलेंट ने हेल्प ली रिस्पोंडेंट नंबर 5 से, जो कि सिस्टर लॉ है, उन्होंने कहा कि उनकी बच्चों की देखभाल करें। अपीलेंट ने कस्टडी जो चिल्ड्रन की थी वो सिस्टर लॉ को दे दी कि इंटरिम स्टॉप गैप सॉल्यूशन, ताकि डिफिकल्ट पीरियड है जो वाइफ और उनके फादर की जो डेथ हुई थी। और उसके बाद माइनर सन की जो कस्टडी है वो अपीलेंट को दे दी गई, लेकिन माइनर डॉटर की रिस्पोंडेंट नंबर 5 के पास ही रही, इस ग्राउंड में कि अभी लड़की बच्ची बहुत छोटी है और उनको अभी फीमेल की मीन्स अटेंशन ऑफ फीमेल कुछ मंथ्स और ज़रूरत है। और उसके बाद कस्टडी थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 5 के पास ही रही, और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने रिफ्यूज़ कर दिया अपीलेंट को कि वो ना मिले, एक के बाद एक दूसरे रीजन्स के बताते हुए। और फिर उस माइनर डॉटर को मेटरनल होम पर ले आई, जो जहाँ फिर रिस्पोंडेंट नंबर 6 को दे दिया गया, मीन्स वो भी मीन्स उनके रिलेटिव हैं वो जो भी हैं, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 6 की मेटरनल होम था। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने आप दोबारा शादी कर ली, और जो चिल्ड्रन था वो केयर एंड अटेंशन ऑफ फीमेल, विद द केयर एंड अटेंशन ऑफ ए फीमेल, मीन्स दोबारा शादी कर ली। और उसके बाद
रेस्पॉन्डेंट नंबर 5 के पास आया कि आप अपनी माइनर डॉटर की कस्टडी दे दें, लेकिन उसके बाद फिर उनको मना कर दिया गया। अब उसके बाद उससे एग्रीवेट होकर उन्होंने एक सेक्शन 10 गार्डियनशिप अवार्ड एक्ट GPS पिटीशन है वो दायर की कि कस्टडी जो माइनर डॉटर की दे दी जाए। फिर उसके बाद 2 कंप्लेंट्स भी डाली और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में डाली, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 700, ताकि कस्टडी जो थी माइनर डॉटर की रिस्पॉन्ड नंबर 5 और 6 से ले लिया जाए। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2024 को ऑर्डर आया, उसमें अपीलेंट ने विड्रू केस को विड्रू कर लिया अंडर गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट के अंदर जो केस फाइल किया था उसे विड्रू कर लिया। डिविजनल बेंच हाईकोर्ट ने इंटरेक्ट किया पार्टीज को और मैटर को मेडिएशन के लिए भेजे कि एक वर्केबल सोल्यूशन आ सके, और इसके बाद एक इंटरिम अरेंजमेंट विजिटिंग राइट्स का दे दिया और हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया और कहा कि जो पार्टीज जो हैं वो अप्रोच करें फैमिली कोर्ट जो कि उनकी कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन है। अब उससे एग्रीवेट होके एक मींस अपीलेंट ने यहाँ पर याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने इशू नोटिस किया और डायरेक्शन दी कि माइनर डॉटर जो है वो दिल्ली में रहेंगी। और प्राइम फेशिया मीन्स 17 मई 2024 को कोर्ट ने प्राइम फेशिया कंसिडर किया फैक्ट्स को कि अपीलेंट के पास वैलिड ग्राउंड है कि वो क्लेम कर सकते हैं कस्टडी ऑफ हिज माइनर डॉटर। और फाइनल कंक्लूजन आने से पहले एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी अपीलेंट को कि वो लव एंड इंट्रैक्शन माइनर डॉटर का लें, मतलब जीते उन पर, और विजिटिंग राइट्स दे दिए अपीलेंट को, सेकंड वाइफ को और उनके सन को। और इंटरिम अरेंजमेंट अराइव जो था अभी तक वो मीन्स डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन तक, मतलब जो ऑर्डर तब तक गया तब तक ये चल रहा था। अब दोनों पार्टीज की जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उसमें, और उसके बाद पैर नंबर 11 पे जो बताया गया है उसमें ये बताया कि जिस जजमेंट पर उन्होंने रिलाई किया था क्योंकि तो, और यहाँ बताया कि अपीलेंट की जो वाइफ की जो डेथ कोविड इन्फेक्शन से हो गई थी इसलिए उनको माइनर डॉटर माइनर चाइल्ड को रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 और 6 को देना पड़ा जो कि सिस्टर्स हैं डिसीज्ड वाइफ की, और क्योंकि उन बच्चों की उस समय उम्र छोटी थी। और लेकिन उसके बाद अपीलेंट जो है अपने बच्चे की देखभाल कर रहे थे जो कि रिलेटिवली बच्ची से थोड़ा बड़े थे, और फिर उसके बाद अपीलेंट ने रीमैरिज कर ली और अब जो वाइफ हैं और जो वो खुद हैं और उनके वाइफ हैं वो माइनर गर्ल को मीन्स अच्छे से देखभाल कर मतलब अच्छे से देखभाल कर रही हैं। और फोटोग्राफ्स जो रिकॉर्ड में लगाए गए थे उसमें भी ये रिवील किया कि विजिटिंग राइट्स जो हैं वो जो हाई कोर्ट ने ग्रांट किए थे और इस कोर्ट ने दिए थे, तो वो जो बच्ची माइनर चाइल्ड है वो फैमिली के साथ जो मीन्स अच्छे से अडेप्ट कर गई हैं। और आपने बताया कि जो अपीलेंट भी एक क्लास ए ऑफिसर हैं और अपीलेंट रेजिडेंस भी दिल्ली में है, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 जो हैं जिनके पास माइनर चाइल्ड की कस्टडी है वो एक रिमोट विलेज जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। जब वो क्रिशियल टाइम था उस समय कोई ऑप्शन नहीं था अपीलेंट का, जब उन्होंने जो माइनर चिल्ड्रन की जो कस्टडी है वो उनको मीन्स जो मीन्स अपने जो सिस्टर इन लॉ है उनको दी थी, और अब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होने की वजह से अब क्योंकि वो एक अपीलेंट जो है वो उनके ही अकेले ही नेचुरल गार्डियन है, ऐसे में मीन्स जजमेंट्स थी वो जो रिलाई की गई हैं रिस्पॉन्ड नंबर 5 और 6 ने, तो ये स्ट्रेट जैकेट फार्मूला के तहत नहीं अप्लाई की जा सकती। लेकिन निर्मला का जो केस था जो पहले बताया गया था उसमें पैराग्राफ नंबर 16 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ हिबस कॉर्पस एक्सपेक्टेशन जब भी कस्टडी होती है माइनर चिल्ड्रन की कंसर्न होती है। अब रिट कोर्ट जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज, अब कोर्ट को देखना कि रिट कोर्ट क्या अपनी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट, ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के केस पर निर्भर करता है। और कॉमन थ्रेड जो सारी जजमेंट्स का यही था कि जो माइनर चिल्ड्रन का जो कस्टडी है वो एक पैरामाउंट वेलफेयर है, और अपीलेंट जो कि एक नेचुरल गार्डियन है और वो इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड जो है मींस अगर बच्चा जो है वो नेचुरल फैमिली के साथ रहे और चाइल्ड जो माइनर चाइल्ड जो है टेंडर एज और क्योंकि वो इसने भी अडेप्ट कर लिया नेचुरल फैमिली के साथ, कर लेगी वो भी नेचुरल फैमिली के साथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए कोर्ट ने इंक्लाइन टू अलाउ दिस अपील, कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया, अपील को अलाउ कर दी, जजमेंट थी हाई कोर्ट की उसके क्वैश और सेटिसाइड कर दिया और रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 और 6 को डायरेक्शन दी कि वो कस्टडी माइनर चाइल्ड की उनको दे दी जाए अपीलेंट को, और
रेस्पोंडेंट नंबर 5 और 6 को परमिट किया कि वो अपीलेंट के रेजिडेंस में हर बुधवार को 4 से 6 के बीच में आके मिल सकते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोज कर दी। ये जजमेंट आई थी 20 अगस्त 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।